नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो एयर बेलो है, किसी किसी का सवाल है कि इस एयर बेलो में जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितने के होते हैं और ये जो अप डाउन करते हैं और ऑटोमेटिक जो प्रेशर को लेते हैं और उसको फिर से रिलीज करते हैं, तो मतलब समझ गया कि इसमें इस तरह के कुछ प्रेशर रहते हैं कि वो बिल्ट होता है, फिर से वो रिलीज होता है। इस तरह किस कंडीशन में होता है कि जबकि गाड़ी में मेरा लोड को ये ट्रांसफरेंस करते हैं, मतलब गाड़ी में लोड कभी ज़्यादा होता है इस बेलो के ऊपर में तो प्रेशर लेते हैं, और उसके बाद में जब लोड रिलीज हो जाते हैं ऊपर में तो गाड़ी का और इस बेलो में जो प्रेशर है उसको रिलीज करते हैं। तो मतलब ये रेगुलेट सिस्टम जरूर है। तो कोई कोई पूछे है कि इसमें एक्चुअल प्रेशर कितना रहता है, तो चलिए इसी वीडियो में आप लोगों को मैं समझाएंगे कि इसमें प्रेशर कितना रहता है और किस सिस्टम से ये थोड़ा से वर्क करते हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, क्योंकि मेरा इस तरीके के वीडियो बहुत सारे इसमें मैं करते हैं आप लोगों को सेवा के लिए, आप लोगों को सीखने के लिए, तो आप लोग कुछ सीख सकेंगे और तो सेक्शन में कुछ काम भी कर सकेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एयर बेलो है, ये एयर बेलो आपका कोई एसी गाड़ी में लगा हुआ है और ये एसी टू टायर होने दीजिए। देखिए, इसमें 120 केएन का आपका यूज़ किया है वेराइटीज आपका एसी, और जैसे कि आपका 120 से लेकर 140, 160 इस तरह के ये बेलो आपका एयर बेलो लगा रहता है, और ये आपका गाड़ी का आपका क्लासिफिकेशन एयर बेलो का नाम से आप लोगों को पहचान में आ गया कि इसमें ज़रूर हवा का प्रेशर रहता है। तो लेकिन कितना रहता है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन करने से आपको दिखाएंगे कि इस बेलो में जो हवा आता है कहाँ से आता है। तो देखिए, 150 लीटर का इसमें 1.5 मतलब 150 लीटर का एक ऑक्जुलरी रिजर्वर रखा है सेपरेटली। ये आपका एक कोच में चार बेलो का, दो बोगी में चार बेलो का प्रेशर को ये आपका इधर से सप्लाई रिजर्वर में जो सप्लाई आते हैं, आपको दिख सकते हैं कि उधर से जो एपी मेन पाइप है वो एपी मेन पाइप से आपको ब्रांच होते हुए एक आपको आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, उसके बाद में एक डार्ट कलेक्टर, उसके बाद में नॉन रिटर्न वाल्व जिसको चेक वाल्व बोला जाता है, और 150 लीटर इसके बाद में ये प्रेशर आपका चले जाते हैं आपका बोगी सप्लाई में, जो कि ये एक बोगी में दो बेलो में इस तरफ है, एक आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड है इसमें इस बेलो के लिए, और उस बेलो के सेम कनेक्शन इस तरीके का। एपी पाइप का प्रेशर आपका 6 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर, आप लोग जानते हैं कि एपी पाइप में 6 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है, और बीपी प्रेशर जो रहता है ये आपका कॉमन सिस्टम है कि गाड़ी में ब्रेक लगने के लिए बीपी पाइप का जो प्रेशर है 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपका बीपी में रहता है। तो अभी आप बोलेंगे कि इधर 6 किलो है, तो मैं इसके बाद में थोड़ा बाद में जब एयर बेलो में प्रेशर बताएंगे तो आप बोलेंगे ये कैसी हो गया है, ये इधर कम हो जाएंगे थोड़ा तो कैसी हो जाता है। तो चलिए, इधर से 6 किलो का प्रेशर आपको सप्लाई किया है, और एक बोगी में दो बेलो है वो आपका सप्लाई लाइन आया है, ये दो एयर बेलो को सप्लाई, 150 लीटर का सप्लाई आया है। मैं एक बोगी में आपको एक्सप्लेन कर रहा है, इस बोगी में ये आपका टी ज्वाइंट इधर दिख रहा है, इसी टी ज्वाइंट में आपका आ गया है, इसके बाद में एक आपका लेवलिंग वाल्व एक बेलो में चले जाएंगे, और एक लेवलिंग वाल्व जो कि आपको दिखता है इधर, ये लेवलिंग वाल्व में आ गया है, और ये लेवलिंग वाल्व से आपका ये प्रेशर देखिए इस पॉइंट में कनेक्शन किया हुआ है लेवलिंग वाल्व में, और ये प्रेशर आपका एयर बेलो है कि 150 के बाद में जो भी एक एयर बेलो है उसके ऊपर में एक 60 लीटर का ये बोस्टर डूम कहा जाता है, बोस्टर डूम में एक 60 लीटर का ऑक्जुलरी रिजर्वर हर बेलो का ऊपर में रहेंगे, और वो डायरेक्ट आ गया आपका 6 kg/cm² का हवा आपका इस एयर बेलो में जो डूब आपका जो बोस्टर डूम है उसमें आया है, इसके बाद में ये प्रेशर इधर देख रहे हैं कि ये जो लेवलिंग वाल्व है इनमें जो प्रेशर आया है इस ऊपर पॉइंट में, एक पॉइंट लॉक है और ये दूसरा पॉइंट जहाँ निकला है ये आपका चले गया है। देखिए, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व में, मतलब डुप्लेक्स चेक वाल्व आपका दोनों एयर बेलो को कनेक्ट किया है, और
150 लीटर का जो लेवलिंग वाल्व के बाद में ये कनेक्शन आपका लेवलिंग वाल्व के बाद में ये आपका इनपुट हुआ है आपका ये एयर बेलो में आपका प्रेशर कितना रहता है। आज सभी का सवाल होता है कि 6 किलो प्रेशर जब आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर से आते हैं और उसके बाद में फिर से जब आपका लेवलिंग वाल्व में इनपुट होता है उसके बाद में फिर से ये प्रेशर आपका क्या सिस्टम से रेगुलेट होता है। तो देखिए इसमें प्रेशर आपका मिनिमम आपका 2.2 से लेकर और 3.5 तक ये आपका रेगुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, किस लिए करेंगे, अभी आप लोगों को समझा। प्रेशर आपका इस लेवलिंग वाल्व में इन हुआ है, इन होने के बाद में ये आपका आउटपुट लाइन जो है ये आपका इन होने के बाद में प्रेशर को ये लेवलिंग वाल्व कंट्रोल कर लेते हैं। अगर ये लेवलिंग वाल्व नहीं रहते तो प्रेशर जो अप डाउन जो होता है वो आपका मेरा जो कोच में जो लोड जो आते हैं वो लोड को जो ट्रांसफर करते हैं तो ये सिस्टम नहीं हो पाता है। तो लेवलिंग वाल्व के जरिए से ही ये आपका प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। अगर ये डायरेक्ट लाइन रहते थे तो ये 6 किलो का प्रेशर डायरेक्ट उसमें जाते थे और इसमें 6 किलो का प्रेशर डायरेक्ट आते थे और ये जो मेरा लोड ट्रांसफरेंस होता है कि ये कोच में जब आदमी जो चढ़ जाते हैं बहुत सारा लोड आ जाते हैं और उस सिस्टम में ये फिक्स रह जाते हैं, ये कोई वेरिएबल नहीं होता है, प्रेशर को रिड्यूस भी नहीं करते हैं और प्रेशर को लेते भी नहीं। तो उसी सिस्टम के लिए ये लेवलिंग वाल्व आपको रखा गया है, लगाया गया है इसी कारण से कि ये आपका जो प्रेशर को रेगुलेट करेंगे किसके लिए, कि ये जो आपका कोच में 100 आदमी है इसके बाद में कोई स्टेशन में आपको इसी दरवाजे से पकड़ लीजिए आपका 200 आदमी चढ़ गया है और इसी बेलो का ऊपर में उसके लोड आ गया तो क्या होंगे। तो लोड आ जाने से ये आपका ये जो बोस्टर है ये बोस्टर नीचे में दब जाएंगे तो दब जाने से क्या होगा कि आपका कार बॉडी जो हाइट है वो मेंटेनेंस नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या सिस्टम है, 2.2 से लेकर 3.5 तक ये प्रेशर अप एंड डाउन करेंगे किसके जरिए, ये लेवलिंग वाल्व के जरिए। लेवलिंग वाल्व क्या कर रहे हैं, मतलब ये लेवलिंग वाल्व क्या कर रहे हैं कि कार बॉडी का जो हाइट है इसको हमेशा मेंटेन करते रहते हैं और ये CVC जो है दूसरा एडजस्टेंस कोच का साथ में ये लेवल हमेशा करते रहते हैं। और वो किसके जरिए होते हैं, ये लेवलिंग वाल्व के जरिए ही होते हैं। किस तरीका से होते हैं अभी थोड़े बाद में हम समझाएंगे, देखते रहिए वीडियो पूरा। एक पार्ट्स है जो कि डुप्लेक्स चेक वाल्व बोलते हैं, ये जो एक लेवलिंग वाल्व से इस तरीका से आपको लाइन निकला है डुप्लेक्स चेक वाल्व बीच में है और उस तरफ में आपका लेवलिंग वाल्व से डुप्लेक्स चेक वाल्व में आया है। दोनों तरफ का लेवलिंग वाल्व का बाद में दोनों तरफ का बेलो का हवा इसी तरीका से आपका ये इधर का हवा इधर रुका रहता है, उधर का हवा उधर रुका रहता है। मैं कभी भी वीडियो बनाता है इस तरीके से यार्ड में, लेकिन इस तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये एन रूट में गाड़ी चलते हैं और मुझे दिक्कत होता है, साउंड सिस्टम बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं कि ओरिजिनल साउंड मैं देता है, मैं कोई आर्टिफिशियल साउंड यूज़ नहीं करता है। तो चलिए मैं अभी दिखा रहा है कि ये जो डुप्लेक्स चेक वाल्व में जो प्रेशर रहते हैं ये प्रेशर आपका किस तरीके से रेगुलेट करता है। देखिए दोनों बेलों में जब इंटेक्ट प्रेशर रहता है तो इसके बाद में कोई भी जगह में फेल्योर होने का टाइम में ये 1.5 एक 1.5 किलो का प्रेशर अगर दोनों बेलों में कहीं डिफरेंशियल हो गया तो क्या होता है, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑन हो जाता है और ये जो मेरा जो बेलो है ये बेलो का साथ में उस बेलो का साथ में ये एक समांतरल आपको लेवलिंग लेके आते हैं जो कि दोनों बेलों का हवा को लिंक कर देते हैं और दोनों बेलों एक ही साथ में एक ही लेवल में आ जाते। समझ पाए होंगे कि एक लेवलिंग वाल्व क्या काम करता है, जो कि कार बॉडी का हाइट को खाली ये वन साइड में इसको डिफरेंशियल प्रेशर को करता है और डुप्लेक्स चेक वाल्व जो करता है वो दोनों बेलों का हवा, मतलब कोई भी एक बेलों में ट्रबल आ गया तो दोनों बेलों को एक ही साथ में लेवल करने के लिए, दोनों को सेटिंग करने के लिए वो आपका डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑन होते हैं। तो चलिए अभी इसमें 2.2 मिनिमम प्रेशर रहता है, मतलब पकड़ लीजिए कि ये एम्प्टी है, अब इसमें 2.2 से लेकर 3.5 मतलब 2.5 अब कुछ प्रेशर इसमें अभी क्रिएशन हुआ है इसके बाद में। तो जब ये
प्रेशर देखिए, अभी प्रेशर नहीं है इसमें। अब बेलो को इस तरीके से दबाने से कुछ पता नहीं चलेंगे, फिर भी पता चलता है। देखिए थोड़ा दब जा रहा है, लेकिन हमारा देखने का एक ही नियम है कि ये जो हॉरिजेंटल लीवर है, ये हॉरिजेंटल लीवर देखिए अभी स्लाइटली नीचे में, इस तरफ से नीचे में डाउन है। तो मतलब ये पोर्शन अभी नीचे में उतरा हुआ, ये पोर्शन ऊंचा में है, इस तरह से लीवर लगा हुआ है। जबकि इसमें हवा इंटैक्ट होगा तो ये मेरा बोस्टर अभी डाउन में है, ये जो बोस्टर है, ये बोस्टर अभी डाउन पोर्शन में है। ये जब भी हवा आएंगे इसमें तो ये पोर्शन मेरा उठ के ये लेवल में आ जाएंगे, तो ये हॉरिजेंटली एवेल करेंगे तो मेरा ये बोस्टर पार्ट ऊपर में। अभी हवा नहीं है, ये बेलो में आपको पता चलेगा। इस तरीका से दबाने के लिए, ये देखने का लिए नहीं होता है, इसको देखने का बेलो में हवा है या नहीं है, इसको देखने का एक ही सिस्टम है कि ये जो पोर्शन देखिए डाउन है और ये हॉरिजेंटल लीवर का वो पोर्शन आप में है। तो मतलब इसमें हवा भरा ही होगा, जबकि आपका प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो आपका बोस्टर क्या होंगे, इसके साथ में मेरा लेवलिंग वाल्व लगा हुआ है, हवा जब भरेंगे तो ये आस्ते आस्ते ऊपर में आएंगे, तो ये आपका ये पोर्शन आपका इसके साथ में हॉरिजेंटली इस तरीके के स्ट्रेट हो जाएंगे। तो होने से क्या होगा, हवा भरा ही होगा, तो होने से आपका कार बॉडी का हाइट मेंटेन हो गया। तो मान के चलिए कि अभी 2.2 से लेकर 2.5 तक इसमें हवा है, गाड़ी अभी समथिंग लोड है, तो इसमें हवा 2.5 है। अभी देखिए ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से, इस गेट से अभी कोई स्टेशन में आपको लोड आ गया 400, 500, 200, 300 कुछ भी आपको लोड आया है, तो किलो होने दीजिए, चाहे कितना आदमी चढ़ गया होने दीजिए, तो आने से पकड़ लीजिए इस पोर्शन में, आपको आने के बाद में इसके ये बेलों के ऊपर प्रेशर आएंगे। तो प्रेशर आने से क्या होगा कि देखिए इंस्टॉलेशन वो पोर्शन तो आपको फिक्स है, वो पोर्शन फिक्स है, आपको रेगुलेट करेंगे यही पोर्शन, और इसमें मेरा भाल्व लगा, एग्जॉस्ट पोर्ट इधर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, अभी 2.2 के प्रेशर था, अभी इसमें क्या हो गया, आदमी चढ़ गया, तो ये क्या होगा, इसका ऊपर में प्रेशर आएगा, इसका ऊपर में प्रेशर आएगा, ये बोस्टर का ऊपर में, बोस्टर अब दब जाएगा। फिर से देखिए जो लोड मेरा था, पकड़ लीजिए दो टन का, अभी 3 टन का लोड आ गया, तो फिर से क्या होगा, ये नीचे पोर्शन आ जाएगा, ये नीचे पोर्शन आने से क्या होगा, ये नीचे पोर्शन जब भी होता है, इस डाउन में होता है, तभी प्रेशर इस पर दिया जाता है, तो ये क्या होगा, प्रेशर आपको इस पोर्शन से फिर से ये ऑटोमेटिक आपका ये लेवलिंग वाल्व से जो कनेक्शन किया हुआ है, ये आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर जो इधर लगा है 60, ये प्रेशर ये लेवलिंग वाल्व से ये प्रेशर ये आपको 60 लीटर के जरिए फिर से दे देंगे, और जो प्रेशर आपका ये लेवलिंग वाल्व से आया है, ये आपका एयर बेलो में जो प्रेशर एक्स्ट्रा लग गया है, पकड़ लीजिए 1 किलो और लग गया प्रेशर, ये प्रेशर आपका मेन रिजर्वर से फिर से सप्लाई होने के बाद में ये इधर स्टेबल हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए बोल रहा है कि 2.2 से लेकर 3.5 तक प्रेशर इसमें अप एंड डाउन होगा, किस लिए कि ये लोड का ऊपर में, कि गाड़ी में कब कौन पैसेंजर कितना लोड लेकर चढ़ रहा है, और फिर से लोड रिलीज हो जाने से, देखिए अभी लोड आ गया था, तो ये पोर्शन मेरा बोस्टर नीचे में आया था, और ये पोर्शन फिर से मेरा नीचे में आया, इसके बाद में फिर से देखिए हवा जब भर गया तो फिर से ये ऑटोमेटिक वो लोड को संभाल लिया, तो फिर से हॉरिजेंटल हो गया। अभी देखिए ये लोड जो आए थे, ये लोड आपका ऊपर से आदमी सब निकल के इधर उधर हो गया, तो इधर उधर हो जाने से फिर से क्या होंगे, जो लोड आपका 1 टन का लोड पकड़ लीजिए रिलीज हो गया, मतलब आदमी सब ऊपर से चले गया और दूसरा कहीं, तो फिर से क्या होगा, ये जो है ये जो बोस्टर है ऑटोमेटिकली आपको क्या है, प्रेशर तो आपका रह गया उसमें, तो वो जो पकड़ लीजिए 3.5 का प्रेशर था आपको लोड संभालने में उस टाइम में, और ये प्रेशर क्या हो गया, ऑटोमेटिक जब आदमी रिलीज हो गया तो ये बोस्टर मेरा ऊपर में आने लगा, तो जब बोस्टर मेरा ऊपर आने लगा तो बोस्टर पकड़ लीजिए इतना ऊपर में आ गया, तो मेरा ये जो हॉरिजेंटल लीवर जो है ये ऊपर में आ गया, और उस पोर्शन जो है उस पोर्शन मेरा डाउन में आ गया। तो डाउन में जब इस पोर्शन मेरा जब डाउन में आ जाएगा तो क्या होगा, ये पोर्शन डाउन में होगा, ये पोर्शन अप में होगा, अप में होने से क्या हो जाएगा, फिर से ये आपका इस पोर्शन डाउन में आ जाएगा, तो मतलब
ये आपका आप में हो जाएगा, मतलब ये क्या करेगा उस दौरान इधर से वो जो एक्स्ट्रा लोड जो था वो लोड को इधर से वो एग्जॉस्ट कर। सीधी एक बात है कि ये जो इंस्टॉलेशन लीवर लगा हुआ है और ये इंस्टॉलेशन लीवर का साथ में जो हॉरिजॉन्टल लीवर लगा हुआ है, ये इंस्टॉलेशन लीवर जब ऊपर पोर्शन में रहेंगे इस तरीके के तो हवा भराई होगा, जब इंस्टॉलेशन लीवर नीचे पोर्शन में होंगे हॉरिजॉन्टल लीवर इस तरीके होंगे तभी उनका उनका जो ये पोर्शन को लेवल करने के लिए हवा को एग्जॉस्ट कर देंगे और फिर से वो अपना एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आ जाए। आप लोगों को मैं समझा सका होंगे कि ये 2.2 से लेकर 3.5 के प्रेशर इसके अंदर में अप एंड डाउन करते हैं, किस लिए करते हैं, ये लोड ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं और किसी के जरिए वो ऑटोमेटिक लेवलिंग वाल्व करते हैं। और इसमें आप लोगों को जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, इसमें एक आपका ये जो एयर बेलो का हाइट मेजरमेंट गेज है वो गेज को इधर से नापा जाते हैं और इस पोर्शन से लेकर इस बॉटम पोर्शन में नापे जाते हैं, जबकि मेरा इस कंडीशन रहेंगे कि इसमें प्रेशर बिल्ड इन बिल्ड कंडीशन होंगे तो मेरा जो इधर से लेकर ये हाइट जो होगा ये हाइट होगा 294 मतलब 294 प्लस 0 माइनस 5, मतलब समझ में आया है कि ये मैक्सिमम आपका ये जो प्रेशर को जो रेगुलाइज हो रहा है इस रेगुलाइज में ये जो आपका वेरिएशन हो रहा है बोस्टर का, तो बोस्टर का वेरिएशन उसी तरीके से होते हैं कि आपका ये जो उस दौरान एयर बेलो का जो हाइट मेंटेन होते हैं वो हाइट मेंटेन भी इसी के साथ में आपका एक ही साथ में ऑपरेट करता है। उसका पोर्शन है कि 294 mm से लेकर आपको मैक्सिमम उसके बाद प्लस नहीं होंगे, 294 के ऊपर में नहीं जाएंगे, 294 के नीचे पॉइंट माइनस 5 मतलब 289 के अंदर में ये जो हाइट है ये हाइट अप डाउन करेंगे और जब ये हाइट अप डाउन करेंगे तभी इधर से आपका प्रेशर का काम लेना देना लेना देना शुरू। चलिए फ्रेंड इस तरीके से शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो एयर बेलो में जो आपको सवाल था कि इसमें कितना प्रेशर रहेंगे, 6 किलो का प्रेशर आते हैं तो फिर इधर से 2.2 से लेकर 3.5 का क्या मीनिंग होते हैं मैं समझा सके होंगे कि ये इसीलिए होता है, ये एक फ्लेक्सिबल सामान है, इसके अंदर में हवा आते हैं फिर से रिलीज होता है फिर से हवा आता है। किस कारण से होता है, ऊपर में जब आदमी का जब ऊपर में लोड जबकि कम बेसी होता है उसी दौरान कौन काम करता है कि ये जो मेरा लेवलिंग वाल्व है वही ये सब काम करता है। वो क्या करते हैं कि वो इस बेलो में ऊपर में लोड ज़्यादा आने से इस बेलो में हवा भरते हैं और लोड जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस बेलो का हवा को वो इधर एग्जिट पॉइंट है इस एग्जिट पॉइंट से वो हवा को निकल देता है और इसी तरीका के ये क्या करते हैं कार बॉडी को हाइट को मेंटेन करते रहते हैं। और जो मेरा एक इसके पार्ट में लगा हुआ है फीवर डिवाइस, ये फीवर डिवाइस मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है उसको आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो को मैं इधर एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कुछ जानकारी लेने से मुझे भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।